राष्ट्रपति से परेशान विवाहिता रिश्तेदार की मां और बेटी के साथ रखता है अवैध संबंध। विरोध करने पर विवाहिता के साथ करता है मारपीट। मारपीट कर विवाहिता को निकाला घर से। जिला पंचायत सदस्य है विवाहिता। पीड़ित विवाहिता ने एसपी दरबार पहुंचकर लगाई न्याय की गुहार। आवाज इंडिया न्यूज ने लिया हकीकत का जायजा। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार नारी सुरक्षा को लेकर बड़ी ही चिंतित दिखाई देती है, वही शिकायत के आधार पर महिला को न्याय दिलाने का काम कर रही है और दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सजा दिलाने का काम भी कर रही है। इसके बावजूद भी अय्याश किस्म एक पति को कानून का कोई खौफ नहीं है, जो खुलेआम एक रिश्तेदार की माँ और बेटी के साथ अवैध संबंध बनाते हुए पत्नी के साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं, दो दिन तक भूखा और प्यासा रखकर उसे जान से मारने की धमकी भी देता है। जबकि उक्त समय में विवाहिता पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, जो अपनी जान बचाकर अपने भाई के साथ अपने पिता के घर जीवन यापन कर रही है। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को अय्याश पति के विरुद्ध शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। पूरा मामला जनपद मैनपुरी और फर्रुखाबाद से जुड़ा हुआ है। जनपद मैनपुरी की रहने वाली 26 वर्षीय मंजीरा पाल पुत्र जयश्री राम पाल निवासी पहाड़पुर थाना कृष्णी की शादी 12 वर्ष पूर्व जनपद फर्रुखाबाद के थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र के ग्राम गिरिराम पर निवासी कुलदीप पाल पुत्र रघुवीर सिंह के साथ हुई थी। कुलदीप पाल कुछ दिनों तक पत्नी के साथ अच्छे संबंध रखते हुए सही सलामत चला। इसके बाद 7 साल पूर्व अपने रिश्तेदार की पत्नी, जो रिश्तेदार में माँ ही लगती है, के साथ अवैध संबंध हो गए। इसके अलावा उसकी 17 वर्षीय पुत्री के साथ भी अवैध संबंध हो गए, जो इस समय एक किराए के मकान में उसके साथ खुलेआम रह रहा है। जबकि कुलदीप से विवाहित पत्नी ने 9 वर्षीय पुत्र लवी व 7 वर्षीय पुत्र अंश में मौजूद है। पीड़ित विवाहिता ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वर्तमान में वह 2021 से लेकर अब तक जिला पंचायत सदस्य है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के दौरान उसके पति ने पीड़िता की ना जानकारी में एक राजनीतिक दल से 50,000 लाख एक 4-व्हीलर गाड़ी लेकर मेरे द्वारा मतदान करा दिया गया था। कुलदीप को भारी भरकम रुपया मिल जाने के कारण अब वह उसके साथ मारपीट करने लगा, यहाँ तक कि उसके बाल पकड़कर उसे घसीट घसीट कर मारने लगता है। इतना ही नहीं, उसे जान से मारने की धमकी देते हुए योजना बना डाली। योजना की जानकारी पीड़ित विवाहिता को लगी तो उसने एक पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से मोबाइल लेकर अपने मायके फ़ोन कर दिया। तो मौके पर पहुंचे मंजीता का भाई उसे वहां से ले आया और पीड़ित विवाहिता अपने पिता के साथ अपने एक बच्चे के साथ रह रही है। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी अय्याश किस्म का पति उसके साथ बदसलूकी करने से नहीं चूक रहा। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देते हुए अय्याश पति के अवैध संबंध को खत्म करने एवं आरोपियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। संबंध में गाँव में पहुंची आवाज इंडिया न्यूज़ की टीम ने परिजनों से बात की, क्या कहती हुई नजर आई है जिला पंचायत सदस्य मंजीता पाल और उनके परिजन। वॉक थ्रू रिपोर्टर अनिल साक्य एवं परिजन। नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं जनपद मैनपुरी के थाना किसनी क्षेत्र के ग्राम पहाड़पुर में। ये समान ग्राम पंचायत में लगता है। यहाँ पर एक ऐसा मामला निकल कर आया है जहाँ पति की अवैध संबंधों के चलते पत्नी की जो है अवहेलना होती हुई नजर आ रही है और वो इस समय अपने मायके में जीवन गुजर बसर कर रही है, जबकि वह जिला पंचायत वर्तमान में सदस्य भी है। आइए हम बात करेंगे ऐसी ही एक अभागिन पत्नी से जो अपने जो पति के लिए तड़प रही है। हालांकि उसका परिवार जो है इस समय एक महिला के चक्कर में फंसने से परिवार बिखर रहा है। क्या नाम है आपका? मंजीता पाल। मंजीता जी, क्या हुआ था आपके साथ में, किस तरह से आपके पति बताओ? मारते कूटते हैं, दूसरी को रखते हैं, हमें चाहते नहीं। अगर जो बात करते हैं, मैं मारते कूटते क्यों हैं, क्या मामला था? तुम जिला पंचायत सदस्य कब बनी? हम जिला पंचायत सदस्य 2021 में बने थे जी। वो का नाम जब बोले कि चलो मेरे साथ रहियो तो ना अच्छे से रखने है। फिर वो दूसरी को रखने लगे, पर मैं कुछ चीज नहीं देते थे, मांगते थे, मारते थे उसके पीछे। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य है आप? हाँ। किस जगह से हैं आप? हम मोहम्मदाबाद वार्ड नंबर 5 से हैं। जनपद फर्रुखाबाद से? हाँ। अच्छा, अगर जो बात करें तो जिला पंचायत बनने के बाद किस तरह का बर्ताव किया है आपके पति ने? वो कुछ नहीं, बस पैसे टके जो कुछ थे उसे दे दिए। मैं कुछ कहती हूँ मंगाने को या कुछ कहते तो वो सुनते नहीं थे, उसे सब पूरी माल की देन थे। अच्छा, अगर जो बात करें जिला पंचायत सदस्य आप बनी तो आपने किसी को वोट दिया होगा मतलब जिला अध्यक्ष बनने के लिए? हाँ। तो कितना पैसा मिला था आपको? पैसा 50 लाख मिला था। 50 लाख? हाँ। आपको दिया? नहीं। और क्या क्या मिला था?
50 लाख में उन्होंने गाड़ी निकलवा ली और पता नहीं क्या किया, मतलब कोई अता पता नहीं, नहीं। लेकिन आपके साथ नहीं रहते ना। अच्छा, लास्ट में आपके साथ मारपीट कब की गई थी? मारपीट की थी, हो गए 2-3 महीने हो गए थे इलेक्शन के तब। अच्छा, ये दूसरे वाले इलेक्शन के? हाँ, दूसरे वाले इलेक्शन। हाँ, फिर मारपीट की थी। मैं एक पड़ोस में लड़का था, उससे अपने फोन करवाया था मम्मी पापा से। फिर मम्मी पापा लेने गए थे। अच्छा, कैसी धमकी दे रहे हैं आपके पति? जा कह रहे कि हम इसे रखेंगे नहीं, उसे छोड़ेंगे नहीं, इसे रखेंगे, मारा कूटी करते थे, मार देंगे। आपने इस बीच में कोई शिकायत भी की थी? हाँ, मैंने बेटे के लिए की थी। क्या शिकायत की थी? मैंने कही थी मेरा बेटा दिला दिया जाए, हमें उससे मतलब नहीं है, जब वो मुझसे नहीं रखता तो मैंने अपने बेटा लिए। अच्छा, तो ये बताओ, उस लड़की से क्या पहले से ही संबंध चल रहे थे, शादी से पहले के? शादी से चल रहे थे उसकी माँ के साथ में। अच्छा। मामा की लड़की के साथ रखते थे, फिर उसके बाद वो लड़की हो गई तब उसे रखने लगे। मतलब मातारी बिटिया दोनों लोग हैं। मामा की लड़की? हाँ, मेरे मामा की लड़की थी। अच्छा, शादी तो करवाई थी। आपकी मामी के साथ में भी संबंध थे पहले? हाँ, दीदी के। और शादी किसने करवाई थी आपकी? मामा की लड़की दीदी ने। अच्छा, पहले दूसरी वाली ने? शादी भी करवाई? हाँ। पहले माँ को रखा, फिर बेटी को भी रखा? अब बेटी को रख रहा है, वो अकेले ही रहती है फरकाबाद में सैनी चौराहे पे। अच्छा, लेकिन आपको नहीं बुला रहा? नहीं, हमसे नहीं, फोन तक नहीं उस दिन से किया जिस दिन से आए। तो कौन बुला के लाया था? मेरे भाई और माँ लेके ले आए थे जब आपके साथ मारपीट की। हाँ। तब से आपने कोई कार्रवाई नहीं किया? नहीं की। क्यों? बाप मातारी गरीब देखकर नहीं पाई थी। तो सुना आपने कि किस तरह से ये जो है बेचारी गरीब परिवार से पली बड़ी ये बेटी आज अपना दुखड़ा रो रही है, रो रो कर। साफ इससे साफ देखने को मिल रहा है कि गरीबी को बेटियों को या तो जो है ना ससुराली जन अक्सर कर मार डालते हैं, अगर वो बच भी जाए तो उसको प्रताड़ित किया जाता है। हम इनसे बात कर रहे हैं, इनके पिताजी यहाँ पर रुदन करते हुए दिख रहे हैं, हम इनसे भी बात करेंगे आखिर क्या हुआ था ऐसा, और कितना जो है ना लालच दिया गया आपको, या आपने कितना उनको पैसा दिया, और किस तरह से वो आपकी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करते हो। क्या नाम है भैया आपका? जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ के रहने वाले? ग्राम पाड़पुर। अच्छा, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? बेटी के साथ क्या मतलब, शादी संबंध सही हो गए। हाँ। और मतलब जिला पंचायत जीत गए, पैसे ऐसे यहाँ से लिए, उसके बाद रखते नहीं है, मेरी सारे की बिटिया है और बिटिया की बिटिया को रखते हैं और मेरी बिटिया की नादर करे हैं। हम 2-3 साल हो गए अपने घर पे रखते हैं। हाँ। एक नाती साथ में है, ठीक है, उसको पढ़ाते लिखाते हैं, यहाँ पढ़ा रहे। हाँ। अच्छा, तो कभी बुलाने की बात नहीं करता? कभी नहीं। अच्छा, उसके माँ बाप क्या, उसको शरण भी हुए है क्या? माँ बाप तो मतलब शरण नहीं दे, माँ बाप की चंती नहीं लड़के के अंगेला। जब वो मतलब बाप मातारी यहाँ बुलाने को भी आए 1-2 बार मेरी बच्ची को, तो हमने कही समझी तुम जिम्मेदारी लियो, कोई बात हो गई। जानकारी ये मिली है कि वो किसी गांव में किसी लड़की को भगा ले गया था पहले? हाँ, पहले भगा ले गया था, हमको तो बाद में मतलब मालूम हुई जब मतलब शादी कर चुके, अब मतलब जब बाद में जानकारी हुई तो अब करेंगे क्या, अब तो मतलब मैंने दवाई ली, अब भाई लड़की की शादी हुई है, अब जा तो आने की रोज रोज शादी होगी। फिर अब उसके साथ अब मेरी लड़की की नादर है और मेरी लड़की को कुछ नहीं, मैं अपने घर पे रखते आएंगे। अगर बात करी जाए तो कितने साल हो गए शादी को? 12वीं साल। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपकी गुड़िया के? 2 नाती हैं। 2 नाती? हाँ। दो देवते हैं आपके? हाँ। तो एक जो होता है उनके पास रहता है? हाँ, बड़ा वाला है उनके पास, 9 साल का होगा, और जो 5-6 साल का 7 का ये मेरे साथ है बिटिया। तो अभी कोई कार्रवाई नहीं किया आपने? मैंने एक थाने में दी थी अमन लेडीज पुलिस वाले में। अच्छा। सो उनने वहां कही तो 2 बार उनने जा कही थी कि मतलब लड़के को यहाँ बुला के लाना तारीख पे, वो गया नहीं, क्यों मैं ला थानो, तो उसने कुछ रिश्वत दे दी इसलिए वो बुला के नहीं गया। जब वहां बात चली तो महिला ने कही गए जब तुम भी रहे, उसने तो कहा कही भाई तुम उस लड़की को छोड़ दे, अपनी पत्नी को क्यों नहीं रखते हो? तब बोले उसके उनके बाप भी थे, मातारी भी थी, बोले कि हम इसको तो छोड़ेंगे नहीं, चाहे जा अभियान चली जाए। जो बात की जाए तो वो जो लड़की रहती है वो कुंवारी है। हाँ। माँ बाप जो है ना क्या इसमें विरोध नहीं करते? बाप मातारी विरोध नहीं करते हैं, क्यों उनको मतलब उनके पास जमीन थी नहीं, उनको मतलब पूरा वो दाम खबाता है, और ऐसा अभी अच्छे रईसों का मकान नहीं बना, जितना जिला पंचायत में रुपया मिला है वो साला मकान में उसी के में लगा दिया उसने, लड़की के। लड़की के। वाह, क्या बात है कि जो भी जिला पंचायत में
बोर्ड को लेकर जो धनराशि मिली थी उस सारे के सारे उस रखेल को दे दी। अब हम बात करेंगे, हमारे साथ में यहाँ प्रधान जी है। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा का क्षेत्र है, शायद आपने पूरा सुना भी होगा पूरा वाक्य, किस तरह से आपने सुना है और किस तरह से इन्हें जो है ये अभी जानकारी हुई, पहले हमें जानकारी पहले भी, लेकिन प्रयास किया गया कि कैसे भी कभी ना कभी सुधार हो जाए, लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया तो हमने एक दो जगह जानकारी करी और हमने कि इस समय न्याय होना चाहिए। लड़की बहुत परेशान, उसके बच्चे यहाँ भटक रहे, बेटी भी भटक रही है, बहुत कष्ट वाली बात है। देखा प्रधान जी ने भी बताया बहुत कष्ट वाली बात है, हम माता जी से बात कर लेते हैं। माता जी क्या नाम है, मुंह खोलिए जरा अपने। मेरा नाम गुड्डी देवी। अच्छा ये बताइए, जब आपने शादी की थी तो क्या पता नहीं था कि आपके जो है ना जो दामाद है उनके चरित्र के बारे में? नहीं, हमें पता थी। तो क्या किस तरह से सुनने को मिला? अब किस तरीके, जब गुड़िया मेरी बदतरी उसलिए इसलिए हमने, जब लड़की ने मेरे सैनेट देखा भी है, उसके साथ भी होते थे तब हमको बताती, तब हमने जाना। बता रही थी कि पहले तो वो जो ना तुम्हारी भाई की पत्नी को रखता था, उसके बाद वो भतीजी को भी रखने लगा। नहीं, भाई की पत्नी को नहीं रखता, मेरी भतीजी को रखता, भतीजी की बिटिया को भी रख रहा है। मतलब भतीजी की बिटिया को भी रख रहा है? भतीजी थी। हाँ, भतीजी ने करवाया था शादी। हाँ, भतीजी यती थी और भतीजी भी अब लड़की सियानी हुई, वो लड़की उसने दे दी। जब लड़की भागने लगी इधर उधर, तब उसने कही मेरी लड़की की बदनामी होगी, तुम ले जाओ यहाँ, अपने भी वही रहती है और वह लड़की भी रहती है। आप ये चाहते हैं मेरे भाई दामाद और बिटिया एक रहे और वो लड़की छूट जाए, तो पठाएंगे ना नहीं पठाएंगे? तो सुना आपने कि किस तरह से अयास किस्म के लोग ना रिश्ते देखते हैं ना ही परिवार, इस तरह का यहाँ हमें यहाँ पर देखने को मिला है कि यहाँ पर एक सगी पत्नी के साथ वो उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा है जिस तरह से रखेल के साथ कर रहा है। कैमरामैन के साथ अनिश शाह, आवाज इंडिया न्यूज, मैनपुरी।